फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लैक्स बॉक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको फ्लैक्स बॉक्स के बारे में बताने वाले हैं। पहले तो हमें जानना होगा कि फ्लैक्स बॉक्स होता क्या है। फ्लैक्स बॉक्स से बेसिकली हम HTML के एलिमेंट्स को अलाइन कर सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। हम उनको अलाइन से कर सकते हैं। फ्लैक्स बॉक्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। फ्लैक्स बॉक्स से हम बेसिकली किसी भी एलिमेंट के चाइल्ड कंटेनर को वर्टिकली सेंटर में ला सकते हैं। तो चलिए, ये सब देखने के लिए और समझने के लिए चलते हैं हमारे VS कोड में। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बना रखी है फ्लैक्स बॉक्स .html के नाम से, और उसके अंदर ये लिख रखा है, यहाँ पे ये कोड लिख रखा है। मैंने 4-5 डिव सेक्शन से बनाए हैं और उसका आईडी दिया है फ्लैक्स आइटम और क्लास दिया है फ्लैक्स आइटम, और यहाँ पे डिव के बीच में लिख दिया 1 2 3 4 5। और मैंने बॉडी में इसको फॉन्ट फैमिली दिया, फॉन्ट साइज दी, पैडिंग और लाइन को हाइट दिया है, और फ्लैक्स कंटेनर को सिलेक्ट करके मैंने फिर इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दिया है, विड्थ दिया है, हाइट दिया है, बॉर्डर दिया और फ्लैक्स रैप दिया है। अब आते हैं फ्लैक्स आइटम में। फ्लैक्स आइटम में मैंने विड्थ दिया है, हाइट दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है, बॉर्डर दिया, टेक्स्ट लाइन और फॉन्ट साइज, कलर, फॉन्ट वेट और लाइन हाइट दिया है। और फिर मैंने पांचों बॉक्स को सिलेक्ट करके, फ्लैक्स आइटम को सिलेक्ट करके उनको कुछ कलर दिया है। तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। उसके लिए क्लिक करेंगे गोलाइव पर, यूज करेंगे गोलाइव एक्सटेंशन का। यू कैन सी द रिजल्ट, हमारे यहाँ पे 5 बॉक्सेस बने आ रहे हैं। एक सीरीज में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आ रहा है उनके बीच में, क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर दे रखा था, इसलिए ये बीच में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो व्हाइट कलर है, हमने कलर व्हाइट दिया था टेक्स्ट को। इस सब के लिए जाएंगे फिर वापस VS कोड में, और अब हम देखते हैं डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में। यहाँ पे देंगे हम डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक देंगे, करते हैं सेव, देखते हैं क्या चेंज आ रहा है हमारा। तो आप देख सकते हैं ब्लॉक हमारा पहले से है, तो हमारा ब्लॉक में ही आ रहा है। वापस जाएंगे VS कोड में। अब हम फ्लैक्स डायरेक्शन में कॉलम करेंगे, अब हम यहाँ पे एक कोड का यूज करेंगे यहाँ पे हम फ्लैक्स डायरेक्शन। फ्लैक्स डायरेक्शन हम इसको देंगे कॉलम, कॉलम दे के देखते हैं, पहले सेव करेंगे और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। तो आप देख सकते हैं हमारा 1 2 3 4 5 जो है वो वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली आ गया है। वापस जाएंगे VS कोड में, और अब कॉलम की जगह कॉलम रिवर्स करके देखते हैं। कॉलम रिवर्स करेंगे और सेव करेंगे, देखते हैं क्या चेंज आ रहा है हमारा। जाएंगे इसमें तो आप देख सकते हैं हमारा जो 1 2 3 4 5 था वो 5 4 3 2 1 के टाइप में आ गया है। वापस जाएंगे VS कोड में, और अब देखेंगे रो रिवर्स का यूज़ करके। आपको भी ऐसी सब कुछ यूज, अपने जो वेब पेज है उसमें सब कुछ यूज़ कर करके देखना है। मैं तो न्यू फाइल बना के कर रहा हूँ, आपको न्यू फाइल ना बना के अपना जो वेब पेज है उसी में ही, आपको जो मेन पेज है आपका उसी में ही आपको ये सब करना है। अब मैं देता हूँ इसको रो रिवर्स,
रिवर्स देंगे, करते हैं सेव और जाएंगे वीएस को क्रोम ब्राउजर में, तो आप देख सकते हैं हमारा राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5, और ये उल्टे में कर उल्टे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है 5 4 3 2 1। वापस जाएंगे वीएस कोड में। ये था हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन के बारे में, और अब हम देखेंगे फ्लैक्स रैप के बारे में। तो कुछ नहीं, बस डायरेक्शन की जगह यहाँ पे रैप करना है। रिवर्स की को हटाएंगे और यूज करेंगे रैप रिवर्स। रैप रिवर्स का यूज करेंगे, करेंगे एंटर और देखते हैं क्या चेंज आ रहा है हमारा। जाएंगे क्रोम ब्राउजर में तो आप देख सकते हैं नीचे से आ रहा है 1 2 3 4 5 और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। वापस जाएंगे वीएस कोड में, तो ऐसे ही आप फ्लैक्स रैप के भी जो बाकी के बचे हुए हैं वो आप कर लेना। मैं इतना ही दिखाऊंगा आपको क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। अब जाएंगे हम फ्लैक्स कंटेनर में और इन सब को हटा देंगे। और अब हम देखते हैं अलाइन कंटेंट के बारे में, तो चलिए देखते हैं अलाइन कंटेंट से क्या होता है, यूज करेंगे उसका यहाँ पे। अलाइन कंटेंट, सबसे पहले हम अलाइन कंटेंट फ्लैग सेंड करके देखते हैं और करेंगे सेव, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। आप देख सकते हैं नीचे से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। जाएंगे वापस भी इस कोड में और फ्लैग सेंड की जगह अब हम सेंटर करके देखते हैं। करेंगे सेव, देखते हैं क्या चेंज आ रहा है हमारा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो बॉक्स थे ये हमारा सेंटर में आ गए हैं। वापस जाएंगे वीएस कोड में और अब हम सेंटर की जगह फ्लैक्स स्टार की यूज करके देखते हैं। फ्लैक्स स्टार को यूज करेंगे, करते हैं सेव, जाएंगे क्रोम ब्राउजर में, तो आप देख सकते हैं अपनी सही पोजीशन पर आ चुका है। जाएंगे फिर वीएस कोड में और अब हम देखते हैं, ये हमने देखा अब तक हमने देखा फ्लैक्स डायरेक्शन के बारे में, डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में और डिस्प्ले डबल हो रहा है, इसको वापस एक डिस्प्ले को हटा देंगे यहाँ से। करते हैं सेव, अब तक हमने देखा डिस्प्ले ब्लॉक और फ्लैक्स डायरेक्शन के बारे में, फ्लैक्स रैप के बारे में, फ्लैक्स कंटेनर के बारे में और अलाइन कंटेंट के बारे में। अब हम देखते हैं ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर का यूज करेंगे हम, तो उसके लिए आएंगे फ्लैक्स आइटम 2 में आएंगे या फिर 1 में या 3 में 4 में 5 में, जिसमें भी आप चाहे उसमें जा सकते हैं। करेंगे एंटर और यूज करेंगे ऑर्डर का, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा हमारा। ऑर्डर में हम नंबर दे देते हैं 5, करते हैं सेव और देखते हैं क्या चेंज आ रहा है हमारा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो 1 2 3 4 5 है। जाएंगे भी एस कोड में, ऑर्डर को यूज करेंगे आगे दोबारा और इसको वैल्यू देंगे कुछ। वैल्यू दे देते हैं इसको 4, करते हैं सेव और देखते हैं कुछ चेंज आ रहा है क्या हमारा। तो आप देख सकते हैं हमारा सही ऑर्डर में आ रहा है। वापस जाएंगे वीएस कोड में और यहाँ पे 4 की जगह 5 कर देते हैं।
करते हैं सेव। अभी भी सेम ही आ रहा है, वापस जाएंगे वीएस कोड में। तो ये था हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम देखते हैं फ्लैक्स बेसिक बेसिक के बारे में, तो उसके लिए इसको हटाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे फ्लैक्स बेसिक। फ्लैक्स बेसिस प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, और इसमें फ्लैक्स बेसिस में हम कुछ वैल्यू देंगे, तो वैल्यू दे देते हैं हम 200 पिक्सल। 200 पिक्सल दे देते हैं, करते हैं सेव। क्या चेंज आ रहा है देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा कुछ चेंज नहीं आ रहा है, कहीं कुछ कोड में गड़बड़ी है। मैं भी तो सोच रहा था कि क्यों नहीं आउटपुट आ रहे, क्यों नहीं आउटपुट आ रहे। अब देखते हैं, हम यहाँ पे हमने टूल नहीं लिख रखा था, हमारा फ्लैक्स आइटम टूल सेलेक्ट ही नहीं हो रहा था। अब देखते हैं शुरू से, दोबारा देखते हैं। हो जाती है यार, मिस्टेक तो सबसे होती है। अब हम देखते हैं पहले ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर रख कर देंगे 5, करते हैं सेव, देखते हैं क्या चेंज आ रहा है हमारा। तो आप देख सकते हैं सेम ही है यहाँ पे, वापस जाएंगे वीएस कोड में। ये है हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम देखते हैं, और अब हम क्या करेंगे फ्लैक्स बेसिस के बारे में देखेंगे। फ्लैक्स बेसिस में हम इसको कुछ वैल्यू देंगे, 200 पिक्सल दे देते हैं, करते हैं सेव, देखते हैं कुछ चेंज आ रहा है क्या। कोई चेंज नहीं आ रहा, वापस जाएंगे वीएस कोड में। और अब देखते हैं फ्लैक्स ग्रो के बारे में, था हमारा फ्लैक्स बेसिस। अब हम देखते हैं फ्लैक्स ग्रो के बारे में। फ्लैक्स ग्रो, और फ्लैक्स ग्रो को हम वैल्यू देंगे कुछ, तो हम 2 दे देते हैं, करते हैं सेव। जाएंगे हमारे इसमें वीएस, इंस्पेक्ट करेंगे। इसका आउटपुट देखने के लिए हमें इंस्पेक्ट करना होगा। इसको फोन में करेंगे, और अब हम इसको छोटा बड़ा करके देखते हैं। तो इसको हम हॉरिजॉन्टली की जगह वर्टिकली करके देखते हैं, तब देखते हैं कुछ चेंज आता है क्या हमारा। तो थोड़ा चेंज करते हैं हम, स्पेस बिटवीन करके देखते हैं, करेंगे सेव और जाके देखते हैं कुछ चेंज आ गया हमारा। तो कोई चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पे, यू कैन सी हमारा कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है। वापस जाएंगे वीएस कोड में, कोई नहीं। तो अब हम देखते हैं फ्लैक्स ग्रो देख लिया हमने, अब फ्लैक्स रिंग के बारे में देखते हैं। फ्लैक्स
श्रिंक के बारे में, इसको कुछ वैल्यू देंगे, फ्लैग श्रिंक श्रिंक को वैल्यू दे देते हैं हम 2, करेंगे सेव, जाते हैं हमारे क्रोम ब्राउजर में और इसको करेंगे इंस्पेक्ट। तो आप देख सकते हैं हमारा पेज काफी रेस्पॉन्सिव है। और अब हमने देख लिया फ्लैक्स श्रिंक के बारे में, जाएंगे वीएस कोड में और फ्लैक्स श्रिंक के बाद अब हम जाएंगे अलाइन सेल्फ सेंटर के बारे में, देखते हैं। तो उसके लिए इसको हटाएंगे और यहाँ पे अलाइन सेल्फ लगाते हैं। अलाइन सेल्फ के बारे में देखने के लिए हम उसके एट्रीब्यूट का यूज करेंगे अलाइन सेल्फ, और सबसे पहले हम अलाइन सेल्फ सेंटर करके देखते हैं, करेंगे सेव और देखते हैं कुछ चेंज आ रहा है क्या हमारा। देख सकते हैं हमारा कोई चेंज नहीं है, सेम ही है। वापस जाएंगे वीएस कोड में, हमारा कोड काम ही नहीं कर रहा है। और अब हम फ्लैक्स एंड दे के देखते हैं इसको सेंटर की जगह। फ्लैक्स एंड देंगे, करते हैं सेव, देखते हैं अभी कुछ चेंज आ रहा है क्या। अभी भी कुछ चेंज नहीं आ रहा। कहीं कुछ गड़बड़ी होगी फ्रेंड्स, अभी मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ। जाएंगे वीएस कोड में और अब यूज करके देखते हैं हम फ्लैक्स फ्लैक्स के बारे में। फ्लैक्स हेल्प था ही हमारा और अब हम फ्लैक्स को यूज करेंगे। और इसको कुछ वैल्यू देंगे, करेंगे सेव, देखते हैं अभी कुछ चेंज आया क्या। अभी भी कोई चेंज नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या हैव अ ग्रेट डे, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।